सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। व्यक्ति को अपने जीवन में परछाई और आईने के जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरे के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है। आज का पंचांग 15 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 2:01 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 7:35 तक रहेगी, अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:21 से 1:41 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रात्रि 3:50 तक रहेंगी। इसके उपरांत धनु राशि में प्रवेश करेंगी। तुला राशि, आप इस वक्त अलौकिक घटनाओं से प्रभावित रहेंगे। आप आज अपना दिन किसी रहस्यमय मुद्दे की खोजबीन में बिताना चाहते हैं और कोई रहस्य फिल्म या उपन्यास देखे पढ़ सकते हैं। आप किसी रहस्य पर से पर्दा उठाने का फैसला भी ले सकते हैं या किसी स्थिति व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको यह सब करते हुए सावधान रहना होगा। आज के दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक भी रहेगा। दाम्पत्य जी रहे लोगों में आज आपस में किसी बात पर नोकझोंक हो सकती है, जिसकी वजह से कोई वाद विवाद पनप सकता है, इसलिए आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। अन्य संबंधों से आज आपका भाग्य चमकेगा। व्यापार में भी आज आपको लाभ की कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, जिसके कारण आपके आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। आज के दिन आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला भी रहेगा। आज आप अपने मित्रों के साथ किसी खास व किसी पास व दूर की यात्रा पर जाने की सोच सकती हैं। आज आप अपने घर के मरम्मत व पुताई करवा सकते हैं, कुछ धन व्यय करेंगे। संतान को कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि परिवार की कोई समस्या चल रही है तो आज आप उसका समाधान भी निकालने में सफल रहेंगी। अभी आपकी यात्रा की योजनाओं में विलंब या रद्दीकरण हो सकता है। पिता जैसे कोई व्यक्ति या आपके मेंटर किसी समस्या का सामना कर सकते हैं, जिनमें आप उनकी मदद करेंगे। दूसरों की सहायता करते समय अपनी खुशियों पर भी ख्याल रखें। आत्म मूल्यांकन करके अपनी खुद की शक्तियों और सीमाओं के बारे में जानें। बेहतरीन चीजें जीवन में आपके लिए बेहद खास है, किंतु इसके लिए अधिक खर्च करना मूर्खता हो सकती है। आज दोस्तों और परिवार के साथ भोजन और बातचीत का मजा लें। जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसी या सहयोगी की मदद करें। आज आप अपनी नकदी आय और खर्चों पर नजर रखेंगे और फायदे के बारे में विचार करेंगे। आप अभी पैसे और अपनी संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत मूल्यों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक आमदनी के बारे में सोच सकते हैं। लोगों से बातचीत करना फायदेमंद है, इससे वित्तीय लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोगों से किसी प्रकार की कोई उम्मीद न करें, नहीं तो आपको निराश होना पड़ सकता है। अच्छे से सोच विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लें, जिससे आने वाले समय में आपकी स्थिति मजबूत होगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन काम की अधिकता की वजह से परिवार के सदस्यों को समय न देने की शिकायत होगी। रिश्तेदारों से पुराने गिले शिकवे दूर करने का भी समय है। सावधानियां, इस राशि वालों के लिए आज व्यापारिक नुकसान होने की आशंका बन रही है। व्यापार में किसी माल ज्यादा बिक्री न हो पाने की वजह से घाटा हो सकता है। किसी पार्टी से माल वापसी की स्थिति बन सकती है, जिसके चलते कुछ आर्थिक हानि की स्थिति भी बन सकती है। नौकरी पेशे वर्ग के जातकों को ग्रुप
प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग काम के दबाव से बचने के लिए सही योजना बनाकर काम कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अभी अपने व्यक्तित्व और रूप को लेकर खुश और सशक्त महसूस कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय आपके गहनों या कपड़ों को जाता है। रिश्ते को आपके ध्यान की आवश्यकता है। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजरअंदाज महसूस करेगा जिसका आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे आपके सहकर्मी या चचेरे भाई बहन। एक समस्या या बीमारी जो आपके मेंटर या पिता के समान व्यक्ति को प्रभावित कर रही है आपकी यात्रा में देरी का कारण बन सकती है। जीवन के इस चरण में आपसी खुशी आपकी बातचीत की क्षमता पर निर्भर करती है, खासकर अपने जीवन के खास व्यक्तियों के साथ। आज आपका ध्यान केवल अपने काम पर भी हो सकता है, इसीलिए प्यार या रोमांस आपकी प्राथमिकता नहीं है। अच्छा, आपके दिमाग में केवल धन से संबंधित मामले और आप ये सोच रहे हैं कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। अभी आप उन चीजों के बारे में चिंता कर सकते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है। आपके रोमांटिक विचार चीजों को उग्र बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सब्र रखें। आप जीवन के सांसारिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने में इच्छुक हैं, लेकिन ऐसे में इस सांसारिक आकर्षण को ना भूलें जो आप किसी खास व्यक्ति के लिए महसूस कर रहे हैं। बात करते हैं करियर की। किसी भी नई शुरुआत या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले किसी सलाहकार की राय लें, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे अनोखा बैंकिंग ज्ञान हो। अपनी कमाई में बढ़ोतरी के लिए आप खुद की आय के नए स्रोतों की तलाश कर सकते हैं। वास्तविक विचार और सोच समझकर धन व्यय करें। यात्रा की योजनाओं में जटिलताओं और देरी का सामना करना पड़ सकता है। एक सलाहकार या गुरु के पास जाएं और उनसे विचारों और चिंताओं को व्यक्त करें। उन लोगों के लिए समय निकालना ना भूलें जो आपके करीबी हैं, विशेष रूप से जरूरत में पड़े पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए। आज समय पैसे का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। इस समय आपका दिमाग धन और संपत्ति पर केंद्रित है और आप निवेश को लेकर आए आत्मविश्वास से अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपकी बातचीत इस समय व्यवहारिक होगी। ऐसे में अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और तनाव से बचें। अगर चीजें आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं होती तो आप निराश महसूस करेंगे। अवास्तविक योजनाएं बनाने से बचें और वो करें जिन्हें आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने यह अच्छा मौका है। आज बेहतर परिणाम लेकर अपनी साथियों को यह दिखा दे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप इस समय परिस्थितियों के गहन अर्थ को समझने की भी कोशिश में रहेंगे। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीके पर गौर करेंगे। बात करते हैं सेहत की। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। आज आपको अपने घर को बदलने के मौके मिल सकते हैं या आप घर खरीदने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप अपने घर या घर के हिस्से को रिनोवेशन या रिमॉडलिंग की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को पूरा करें। इस बीच अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ना भूलें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।